कमाल कर। नमस्ते मालिक। ये लोग क्यों खड़े हैं? अपने हिस्से के लिए खड़े हैं। ए राधा, क्या हुआ? देखो ये लोग बहुत देर से खड़े हैं। बच्ची को बोला आके इनका हिस्सा बांट दे। अनु, हाँ भाभी, वो थैली ला कर दे दो सबको। भाभी मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, आप ही दे दीजिए ना। यहाँ फैशन शो चल रहा है ना, भैया ने कहा है तुम ही दोगी। ये लीजिए आप। धन्यवाद। ये लीजिए, लीजिए। अनु इधर आओ, ये पैसे जाकर कबीर को दे दो। ठीक है। अरे बेटा, यहाँ से कुछ आवाजें आ रही है। सुबह से ये चिल्ला रही है, पता नहीं इसका समय कब पूरा होगा। कोई देखो जरा, देखो इसको। सांप है सांप, अरे मार दो मार दो, नहीं तो काटेगा। बच्चा है ये, क्या मार दे, क्या हुआ? सांप निकला है जीजा जी। अरे तो मार दो उसे। अरे बच्चा है जीजा जी, नहर किनारे छोड़ दूंगा। अरे क्या कर रहा है बेटा, ये लो कभी, ये लो। ए सांप का रखा है तुमने, छोड़ो उसे। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? ये लो पैसे, यहाँ रखे हैं, जा रही हूँ। तुम कौन हो बेटी? हाँ, आपकी पोती अनुराधा। अरे वाह, मुझे कब हुई रे पोती? लड़की कौन है रे? वो मालिक की बहन है। अच्छा, ए, तुम्हारे गांव में कौन सा मर्द तैयार है? अच्छी तरह देख लो हमारा बैल कितना ताकतवर है। परसों जल्ली कट्टू के दिन कहीं दूर शहर में जाके छिप मत जाना। इस बैल ने अब तक 17 लोगों को घायल कर दिया है। अगला नंबर तुम्हारे गांव में से किसी का भी हो सकता है। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? वैसे ये विजय का है? अरे वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होगा भाई। महीने प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, बगल के गांव वाले क्या बोलते हैं पता है? ए, वो लोग अपने बैल को बच्चे की तरह पालते हैं, इतना तो हक है ना उनका। वो सारी बातें सही है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि कितना मजाक उड़ाए उसने? इस बार किसी का बैल पकड़े या ना पकड़े, उनका बैल जरूर पकड़ेंगे। बगल के गाँव के लोगों से बहुत डरते हो? परसों जलीकट्टू है, फैसला हो जाएगा। चल तू चाय पी। माता। हाँ? मेरी प्यारी माँ, मेरी देवी माँ, जैसे तुम्हारे पति राजा राम ने जलीकट्टू में अब तक कई सारे पुरस्कार जीते हैं, आगे बोलू ना? हाँ? वैसे ही तुम्हारा ये बेटा भी इस जलीकट्टू में जीतकर सारे ऑस्कर अवार्ड घर लेकर आएगा। आशीर्वाद दो माँ। ओ मेरी प्यारी माँ, टेक केयर, बाय। अरे भांजे, चलता हूँ माँ। अपनी माँ से तो आशीर्वाद ले लिया, मैं उसका भाई हूँ, तेरा मामा मुझसे आशीर्वाद नहीं लेगा क्या? उसमें क्या है मामा, अभी ले लेता हूँ। मेरे कौन से पैसे लगते हैं? आज जलीकट्टू के इस खेल में मुख्य अतिथि आ चुके हैं, उनके साथ साथ मैं जिला डिप्टी कमिश्नर, जिला अधिकारी और साथ में भाग लेने वाले सभी वीरों का स्वागत करता हूँ। सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठे और खेल का आनंद लें।
जल्लीकट्टू का मजा। देखिए एक और खिलाड़ी कोशिश करते हुए इसके हाथ से निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ताकतवर है। पैर ये और दूर हट जा, दूर हो, दूर हो। बहुत बढ़िया। यहाँ खड़ा होकर चिल्ला क्यों रहा है? तू ही जाकर पकड़ना बैल को। भैया मेरा नाम सुनकर कोई बैल बाहर ही नहीं निकलेगा, और सारे बैल मैं ही पकड़ लूंगा तो लड़के क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। सही है, यहीं खड़ा रहा। अपना बैल निकलने वाला है। हाँ। सुने, ये वही पड़ोस के गांव के लोग हैं क्या जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे जोर लगाना, जगह पकड़ना बैल को। ओ भैया ऐसे कई बैल पकड़े हैं मैंने, ऐसे वैसे बैल पकड़े होंगे, मेरे बैल को पकड़ के दिखा। चलो ए। अरे रुक रहे यार, पकड़ लेंगे तो क्या दोगे? उसे पकड़ लोगे तो तुम्हें इनाम देंगे। तुम्हारा कोई भी इनाम हमारे विजय को नहीं चाहिए, समझे? घर आके देख लेना, बहुत सारे गोल्ड मेडल अटक रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? अपनी बहन से शादी करा दो ना। ए, क्या बकवास कर रहा है? अरे अपने बैल पर भरोसा नहीं है क्या? घर वालों को बीच में घर से देगा? अरे अगर इतना भरोसा है तो शर्त क्यों लगा ना? शर्त है हिम्मत तो। तू शांत हो जा। ठीक है, तू जा। ऐसे नहीं पकड़ेंगे, पहले शर्त लगा, शर्त बोलना उसे। अरे पकड़ तो हम लेंगे उसे, तू शर्त क्यों लगा रहा? उसे पकड़ने की कोशिश। ये लोग आपको फंसा रहे हैं, इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं। पकड़, मैं शादी करवाऊंगा। अब मैदान में विजय कुमार और काली उतर आए हैं, गांव के सबसे बड़े खिलाड़ी। देखते हैं क्या होता है, दर्शकों को बहुत आनंद आएगा। बस दर्शकों से अनुरोध है कि वो जाली के पीछे खड़े रहे। कालिया बैल के साथ आंख मिलाते हुए अपनी लड़ाई शुरू करने के इरादे से। देखते हैं क्या होता है, विजय बैल को हरा पाते हैं या नहीं। अब तक का रिकॉर्ड तो यही है कि विजय कभी हारे नहीं है। तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ। विजय कुमार की ये कोशिश शायद कामयाब नहीं हुई जितनी वो चाहते थे। एक बार फिर प्रयास करेंगे। पहली बार ताकतवर। एक बार फिर विजय कुमार को उछाल दिया है हवा में। और विजय कुमार, विजय समझ गए, ये बैल बहुत खतरनाक दिख रहा है। इस बैल के सींग मारने से आज मैं मर जा तो मेरी माँ को मत बताना, चल जा। देखते हैं क्या होता है, बहुत आनंद आ रहा है दर्शकों को। दर्शक आनंद लेते हुए इस खेल का मैदान में ठहराव। और विजय कुमार ने पूरी नीति अपनाई है, और ये विजय कुमार ने पकड़ लिया है। क्या जी, आप भी बार बार बोलने पे भी अनु को खेल के दांव पे लगा दिया। हे, अब चुप कर, वो कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है, बहुत ताकतवर आदमी है। अपने बैल के सामने ना कोई खड़ा हो सकता है ना उसे छू सकता है। क्यों, तुमने भी तो देखा ना, वहाँ पर 200-300 लोग पीछे खड़े थे। हमारे गांव का बैल जैसे ही बाहर आया सब लोग उसे देखकर साइड में जाकर खड़े हो गए। बैल के सामने खड़े होकर टिके रहने की हिम्मत होनी चाहिए, वो उसमें थी इसलिए मैंने हाँ कर दी। बकवास करता है मेरे सामने। देखिए भैया, मैं कोई बैल पकड़ने वाले जाहिल गंवार से शादी नहीं करूंगी।
अगर आपने जोर जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी, याद रखिएगा। रसोई घर में चाकू पड़े हुए हैं, अगर मरने की इच्छा हो तो उनमें से कोई एक भोग लेना। मैंने जो कह दिया वही होगा। दिल्ली में किसानों ने अनशन किया और धरने पर बैठ गए। हे भाई, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? बगल के गांव में नहीं जाना है क्या? बगल के गांव में क्यों? खेल में जीते हैं, तेरी शादी की बात करके आते हैं। उसने मजाक में कह दिया तो तू लड़की मांगने निकल पड़ेगा क्या? तू ऐसा क्यों कह रहा है भाई? तो नहीं जाएगा क्या? जाकर मैं क्या करूंगा? जाओ, मैं नहीं आता। पहले का तो चुकाया नहीं गया तुमसे, अब और उधार मांग रही हो? ले लेना ना। अरे सावित्री, अरे आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ। ना, मुझसे मिलने आओगे तुम? अरे भाई, मामला क्या है? कुछ नहीं भाई, पहले के तो 2000 दिए नहीं मुझे, अब और उधार मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगा? मुझे भी तो अपना घर चलाना होता अबे है। अबे ओ गधे, पिछले साल काली माँ की पूजा में रात भर ये बिचारी कलश नीचे रखे बिना नाच रही थी ना। भांजे, चाय वाले के पास पैसे तो बहुत है, लेकिन 100 रुपए भी नहीं दिए होंगे इसे, साफ फ्री में देखता रहा होगा। भैया, ये बिचारी सबके मनोरंजन के लिए नाच गाना करती है ना। सावित्री, अब इसे हमें खुश करना चाहिए ना, अब इसे जो चाहिए वो दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। सावित्री, ये कोई एहसान नहीं है, मेरी ओर से तुम्हारी कला को भेंट, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। ये ले, तमीज से। ये लो, तमीज इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे भैया, हमेशा खुश रहो। बहुत सुशील लड़की है। भाई, बहुत जल्दी में हो, अपनी बहन की वजह से शादी कब करवा रहे हो? जमाने के पीछे हट गए क्या? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब वो मान ही नहीं रही है तो मैं क्या करूँ? जोर जबरदस्ती करने पर चाकू भोंकने की धमकी दे रही है, ऐसे में मैं क्या करूं? तू नहीं कर सकता तो हम तेरी बहन को उठाकर विजय से शादी करवा देते हैं। उठाकर कर सकते हो तो कर लो शादी, ना मैं तुम्हें रोकूंगा और ना ही तुम्हें कुछ बोलूंगा। चलो भाई। अरे ये क्या है रे, उसका भाई खुद बोल कर गया, चल लड़की उठा लाते हैं। लड़की उठा लाएगा? एक डोंगा खींच के शक्ल देखिए अपनी, लड़की उठा लाएगा, चल जा। कुछ नहीं करने वाला ये। क्या सोच रहा है भांजे? कुछ नहीं मामा, सोच रहा था कम से कम एक बार उसका चेहरा तो देखने जाऊं। तो चल तुरंत देख कर आते। अरे अकल नहीं है क्या, ऐसे गाड़ी चलाते हैं? अरे अरे सुनो, ये क्या भांजे? ए सुनो लड़कियों, सुनो सुनो, ये क्या हो रहा है भांजे? बीच सड़क पर वो लड़की तुझे ऐसे झापड़ मार कर चली गई और तू देख रहा है, तेरी तो गलती भी नहीं थी। ओ मामा, लड़की होकर भी थप्पड़ बहुत कड़क मारा उसने, मुझे ये पसंद आ गई। तो एक काम करते हैं, मैं उसे वापस बुलाता हूँ, एक झापड़ और खा, वो तुझे मार कर चली गई और तू देख रहा है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भांजे? लगता है लड़की पर दिल आ गया तेरा। अब जो करने आए हैं वो करें। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। ए, सुनो इधर आओ बेटी, इस गांव में मलिक है, उनकी एक बहन है, उसे जानती हो क्या? आप क्यों पूछ रहे हैं? परसों जल्लीकट्टू में मेरे भांजे ने उस लड़की का हर शर्त में जीत लिया है, अभी हम उस लड़की को शादी के लिए देखने आए हैं। वो लड़की कहाँ मिलेगी? अभी जिसने थप्पड़ मारा वही है, दिखाई नहीं देता क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या, किसको घूर रही हो तुम? चलो जाओ जाओ। तेवर तो देखो जरा। भांजे कांग्रेचुलेशंस। किस लिए मामा? कार्ड छपवाते हैं और ये क्या? अपनी रेंज से बाहर है मामा। सच कह रहे हो? भूल जाओ। तब क्या करें? तुम ये बजाओ। गांव में घुस आया है, छेड़छाड़ भी की है, उसके हाथ पैर तोड़ देना। मैं देख लूंगा ना। ओ, समझ गया ना। हाँ। मैं यही खड़ा हूँ, तुम लोग होके आ जाओ। भरोसा है ना, देखो जाकर क्या करते हैं अपन। आ जा रहे। कौन सा है बे? अंदर जो नाच गाना कर रहा है ना वही है। ए, गाना चेंज कर। आ, बदल दे। ए, भाई ये तो सॉरी बोल रहा है। आ जा रे 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 नहीं नहीं मामा नहीं। क्या हुआ
भांजे क्या हुआ? अरे ये ले भांजे, ये ले। अरे एक गाना मेरे लिए भी जरा बोल देना, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे मामा के लिए एक आइटम सॉन्ग पेश किया जाओ। अरे अंधे कहीं के दिखाई नहीं दे रहा है क्या? छोड़ो ना, किसी परेशानी में लगता है बेचारा। जाओ ब्रदर। अरे सारे मूड का कचरा कर दिया। अच्छा अच्छा मेरी प्यारी रानी, ए गाना चेंज कर दे जल्दी। एक दूंगा ना। जाने दो मामा, जाने दो। जाओ भाई तुम जाओ, छोड़ो मामा, जाने दो। भांजे अनजाने में मारकर नहीं गया, मुझे लगता है जानबूझकर मारा है। ए कुछ साउथ का बजा रे। हमारे आदमी को बुरी तरह से छोड़ा है। अरे तू कहाँ जा रहा है? तूने झगड़ा किया तो मलिक को पता चल जाएगा, चल यहाँ से तू। अरे बोलो ना, चल चल। अब क्या हुआ? आप तो इनके मामा है ना, विजय से अपने बहन की शादी करवाना चाहते हैं, समझाना नहीं चाहेंगे क्या? भाई ये जो कह रहा है वो सच है क्या? तुम किसी भी आदमी को हमारे घर की बेटी का हाथ दे दोगे और हम सब देखते रहेंगे? देखिए भाई आप गलत कर रहे हैं, परिवार का मान सम्मान भी देखना पड़ता है। अगर तुम्हें ही सारे फैसले करने हैं तो हम बड़े लोग किस लिए हैं? सुन लिया राधा, सब लोग यहाँ गालियाँ दे रहे हैं मुझे, तुम भी अपने हिस्से की गाली दे दो। अब मैं क्या आपसे बोलूं? आप खुद नहीं जानते क्या कब क्या करना है, क्यों करना है? बस केवल बलशाली ही मत देखिए, जो बच्ची का ख्याल रखे, उसे किसी भी चीज की कमी ना हो, इसका भी ख्याल रखिए। जानती हो राधा, 2 महीने पहले एक ब्रोकर उसी लड़के की कुंडी लेकर आया था। वैसे गुण तो सारे मिल रहे थे, पर इसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की और न ही जमीन जायदाद है। फिर भी इन सब बातों को नजरअंदाज करके मैंने जाकर इससे बात की, तो पता है इस लड़के ने क्या जवाब दिया? भैया मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो बोल भी नहीं सकती, मैं भी 10वीं तक पढ़ा हूँ, कोई जायदाद नहीं है, बस मजूरी करता हूँ, इसलिए ये लड़की नहीं चाहिए मुझे, अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दीजिए। अब ऐसे ज़माने में इतनी अमीर लड़की का फ़ायदा ना उठाने वाली सोच रखने वाला लड़का भी है, बहुत पसंद आया मुझे। उसके बाद जब वही लड़का मुझे जलीकट्टू में नज़र आया, मैंने शादी की शर्त की बात उसके सामने रख दी। अब मैं क्या करूँ बताओ, जो मेरे दिल ने कहा मैंने किया। क्यों बेटा, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब चाहिए आपको? अरे वो लड़का पीता भी है। ये बात तू कह रहा है? कौन यहाँ दारू नहीं पीता? वो पीता है लेकिन दारूबाज नहीं है। आपको पता नहीं है वो पूरे गांव भर से लड़ता फिरता है। तुम्हें क्या पता उस गांव में कौन किसे लड़ता है, अच्छा लड़का है बस यही काफी है। एक भिखारी को अपने बराबर में बैठाना चाहते हो तुम? क्या यार तुम भिखारी अलगपति, अपनी बेटी जब उसके घर में जाएगी और हर काम में उसका हाथ बटाएगी तो वो भी 4 पैसे कमाने लग जाएगा, ये भी कोई बड़ी बात है क्या? अब जाओ तुम लोग यहाँ से। देखो मलिक, अपने लोग ही तो सवाल कर रहे हैं और तुम उसके पक्ष में बोले जा रहे हो, ये क्या बात है? बेकार सवाल करोगे तो मैं उसके क्या जवाब दूंगा? अब जाइए आप लोग। आप लोग ऐसे झगड़ा मत कीजिए, मैं इससे शादी कर लूंगी। ए पागल हो गई क्या? हम यहाँ तुम्हारे लिए झगड़ रहे हैं और तू खुद बलि चढ़ना चाहती है? ओए तुम अपना काम करो ना, तुम्हें क्या है? मैं अपने भैया की जान हूँ, उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है,
उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, और उसके अलावा वो वादा करके अपना सिर झुकाए ये बात मुझे पसंद नहीं है। भैया जो भी करेंगे मेरे लिए सही होगा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। खाओ 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 खाओ। थैंक्स भांजे। मामा आपको चक्कर या उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन पूछ क्यों रहे हो? वो ना मुझसे शादी हुई तो जान ले लेगी कहा था ना, तो कहीं लड्डू में जहर तो नहीं मिला? डाउट था। मामा अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मतलब मैं ऊपर जाने वाला हूँ क्या? खाओ खाओ खाओ। मामा देखो कितनी सुंदर लड़की है। कहाँ है, मुझे तो कोई नहीं दिख रही। अरे बाप रे, पता नहीं इसमें क्या मिलाया होगा, लेकिन खीर खाए बहुत साल हो गए, रुका नहीं जाता। खाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हाँ पिछली बार भी तो बोला था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ है? ये क्या भाई, अरे क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, मेरा सिर चकरा रहा है, कहीं भांजे ने जो बोला था वो सच ना हो जाए। राधा। हाँ, अभी आई। जल्दी आओ। ये भी ना। अरे बुड्ढे क्या हुआ, जल्दी बाहर जाओ। मैं नहीं आ रहा, तुम अकेले जाओ, बच्चों को अकेला छोड़ना है ना, जाओ चलो। अच्छा हाँ चलो चलो, मैं चलूं साथ में क्या? हाँ समझ जी, आप यहीं बैठे रहिए, हम चलते हैं। चलो जमाई बाबू। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, हम लोग जा रहे हैं। जाइए, हम लोग फिल्म देखकर आते हैं, फिल्म देखकर आते हैं, आप बैठिए। ओ मामा, जोर डालकर तुम ही ने शादी करवाई, अब भागोगे तो कैसे चलेगा? भांजे मैं अभी तक जिंदा बचा हुआ हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है, मुझे छोड़ो जाने दो। रुको अरे मामा। मर गए, ये तो मारने आ रही है। बेटा तूने घर में ही दुश्मन पाल लिया, पूरी तरह फंस गया है तू। टेक रेस्ट, रिलैक्स। सब जब सोए हम जागे चांदनी रातें। ये यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं? पता नहीं, अनु से ही पूछ लेते हैं। अनु, आज तुम्हारी सुहागरात है ना, पर तेरा सुहाग तो बाहर सो रहा है, लगता है आज कार्यक्रम बाहर ही होगा। हाँ क्यों नहीं, बाहर ही होगा, परिवार के साथ आकर देख लेना। ए टिकट, मेरे यहाँ से 10 लोग आएंगे, ठीक है? तेरी तो, चल भाग यहाँ से। चलो चलो, चलो। ए बचा लेना बजरंगबली, यहाँ बाहर आकर क्यों सोए हो, चलो अंदर चलकर सो। ए मुझे सब पता है, बैल के सींग से मर जाऊंगा लेकिन एक लड़की के हाथों बिल्कुल नहीं मरूंगा, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा तुम्हें मरना इतनी बड़ी बात है क्या? उस दिन आकर तुमने ही बात की थी ना, अगर मैं चाहती तो उसी दिन पत्थर से सिर फोड़ देती। पत्थर से सर फोड़ देती? वही प्लान था ना। इज इट ट्रू? हाँ कहा ना। तब तो डेंजर है, तुमने तो कहा था मुझसे शादी हुई तो जान ले लोगी, तो फिर शादी क्यों की? वो क्या है ना भैया, मेरी जान है, उनका सिर किसी के सामने झुके मुझसे देखा नहीं जाएगा, और उसके अलावा तुम मुझे पसंद हो इसीलिए मैंने ये शादी कर ली। मैं पसंद हूँ? तुम्हें? ये कब से शुरू हो गया? एक दिन मैंने तुम्हें पड़ोस के गांव के बाजार में देखा था। क्या मामा सब्जियां नहीं ली? भांजे वो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल में गंदी फिल्में भर के दे रहा है, तो जाकर उसे रोको ना। मैंने रोका तो कहता है मारेगा। दिस इज ब्लडी नॉनसेंस। आओ पूछते हैं। ए यहाँ आओ, यहाँ आइए, आइए सर, आइए, यहाँ आइए। इतना घटिया काम करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? ये छोटे छोटे बच्चों को वाहियात फिल्में दिखा रहे हो, अगर तुम्हारा बेटा होता तो गांव के बच्चों को यही संस्कार दोगे? तुम्हें तो जेल में डालना चाहिए। ए तू जा यहाँ से, मेरा धंधा खराब मत कर, बड़ा आया समझाने वाला। कहाँ जा रहा है? यहाँ यहाँ
ये तुम्हारा एरिया है। छोड़ मुझे। तो फिर ये खड़े खड़े देख क्या रहे हो, लगाओ थप्पड़। क्या लेकिन उस सीन के हीरो तो मामा थे ना, मैं कैसे पसंद आया? जो आदमी किसी अच्छे काम के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है मुझे बहुत पसंद है। ए, सब लोग देख रहे हैं, जल्दी से अंदर आ जाइए। बस वहीं से बात करो, सब पता है। मीठी मीठी बातों से मुझे धोखा देकर अंदर ले जाकर सर फोड़ दोगी मेरा, पर याद रखना मैं बैलों को पकड़ने वाला वीर हूं। चुप करो, बैल गधा सब बाद में पकड़ लेना, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। हे, भूल गई उस खतरनाक बैल को, मैंने ही पकड़ा था। बेकार की बातें मत करो, पकड़ के दिखाओ कहा ना। आज बड़े पकवान बन रहे हैं। आज पूर्णिमा है ना, भगवान को चढ़ाने हैं। अनु ने खा लिया? वो अब अपने घर में खाएगी। क्यों जी, उसकी शादी हो चुकी है, भूल गए आप? खाइए। अरे खाइए ना। खाता हूँ। यहाँ आप नहीं खाना खा रहे, वहाँ पर बकरे मुर्गियाँ कबूतर भी खाना नहीं खा रहे हैं। क्या? तो उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाएगा? ले जाकर इन्हें उनके घर छोड़ कर आओ। ए मालिक, कबीर को बोलो कि उन्हें जाकर छोड़ा है। मालिक, कबीर जी तो दो दिन से दिखे ही नहीं। अब पंप सेट के पास में ही होगा, जाओ बुला कर लाओ। सुबह सुबह ही शुरू हो गया आपका, मालिक बुला रहे हैं आपको। मालिक के बुलावे का संदेश लाया। चल हट। ए तू चुप रहना है, तुम जाओ हम आते। तू उस पे क्यों भड़क रहा था? तो क्या करूं, मैंने अनु से शादी करने का सपना देखा था, एक ही दिन सब कुछ खत्म कर दिया। बैल पकड़ा, गधा पकड़ा, तो क्या शादी करवा देगा? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसकी शादी हो चुकी है, कुछ तो शर्म कर। नहीं करूंगा अनु, बस मेरी है। सिर्फ एक शादी ही नहीं, उसकी हजार शादियां करवा दो तो भी उसे तुड़वा के अनु को अपना बना के ही रहूंगा। ए, ये गलत है, मत सोच। सुन, वहां से उठाया तो यहाँ आकर सो गए। बचाओ बचाओ, बचाओ 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 कर रहे हो? एक मर्द दोपहर तक घर में सोएगा तो तरक्की कैसे होगी? चलो उठो उठो कहा ना। माँ, सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश लग रही हो, बिंदी भी लगाई है मेरी प्यारी। बिंदी मैंने लगाई है, अच्छी लग रही है ना? तुझसे सुंदर कोई नहीं माँ। माँ को लाड बाद में कर लेना, पहले उठो और नहाओ, चलो। अरे कल तो नहाया था। कल नहाए थे, रोज नहाना चाहिए। कल के नहाने की खुशबू आज तक आ रही है। चलो, चलो। अरे सुनो अनु, अनु नहाए बिना बाहर मत निकलना, चलो। कभी 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 क्या कर रहे हो? कभी 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 डालो ना खाना। मुंह पर डाल दूंगी। हाँ डाल दो। घर का खाना अपने ही घर में बनाया है। हाँ। तुमने खुद बनाया ना? मैंने बनाया है। माँ ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। तुमने खाना खा लिया? खा लिया। अब बिना बोले खाइए ना, कितनी बात करते हैं आप। बीवी तुम हर बात पर नाराज क्यों होती? पहले खाना खाइए। क्या हुआ? जरा अपना हाथ दिखाओ। ऑसम ऑसम। अब जरा अपना गाल दिखाओ। ज्यादा होशियारी नहीं। हाँ साइड डिश। बैठी रहूंगी तो खाएंगी नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। आ,
अनु कभी 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 शाम को करेंगे, अब जाइए। कहाँ जाने को कह रही हो? घर में दो दो औरतें हैं, कमाएंगी नहीं क्या? चलिए जाइए। मैं एक आध महीने बाद जाऊंगा ना। बिल्कुल भी नहीं। अरे ठीक है ठीक है, दो दिन बाद चला जाऊंगा। अभी जाइए, चलिए जाइए। अनु अनु सुनिए। या कमिंग, रेडी? इसलिए बुलाया था। जाइए जाइए, कहा ना। सुनो तो, क्या है? क्या हुआ? ऐसे क्या कर रहे हैं अनु? क्या हुआ अनु? क्या हुआ अनु को? अनु हाँ, अंदर कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर निकलिए अनु। चलिए अनु, कभी कभी जल्दी जाइए। कभी देर हो जाएगी, चलिए जाइए जाइए। मैं कल से जाऊंगा ना। अगर मैं बाहर आई ना, बेलन से मारूंगी आपको। चलिए जाइए अब। अरे भांजे। हाँ मामा। क्या बात है दूल्हे राजा, सुबह सुबह ये डिब्बा लेकर कहाँ चल रही? वो मर्द दिन में घर में नहीं रहने चाहिए ना, है? कहीं काम पर जाकर शाम को ही वापस घर आऊँ, ऐसा कह रही थी मेरी बीवी। तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। अरे तो इसमें क्या है, सीधे मंडी में चलते हैं, पेट भर खाएंगे, जी भर सोएंगे, शाम को 6 बजे का अलार्म लगाएंगे और थके हैं ऐसा मुंह लटका कर लौट आएंगे। कैसा आइडिया? आइडिया तो मस्त है। अरे मैं हूँ ना, घबराता क्यों है, आना। मामा तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। यहाँ भीड़ तो देखो, क्या बैठे हुए हो, हटो हटो यहाँ से, हटो। महीने से बैठ कर पत्थर ही घिस डाले हैं भांजे। अब हम काम पर आ चुके हैं, आराम से बैठ जाओ और फिर ऐसे पसर जाओ। मामा लेकिन इतना भी मजेदार नहीं था, तो फिर से ट्राई करें क्या? हाँ, क्या बात है, सुबह सुबह यहाँ पर आकर बैठे हो? वो क्या है, मेरी बीवी ने काम पर जाने के लिए कहा है, इसलिए सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। कलेक्टर छुट्टी पे है, उसकी जगह चले जा। भाई मुझे तो चलेगा। हाँ मुझे भी चलेगा। अरे सुनो, मुखिया जी बगीचे में नारियल तोड़ रहे हैं, तुम भी चलोगे तो आ जाओ। आओ, सर फोड़ने को कहोगे तो भी चलूंगा। और भांजे यहाँ पर कौन सोएगा? फिर छोड़ो, चलो चलो। कितना बेशर्म है। भांजे थोड़ा सरक कर बैठो आगे, आराम से। अरे मैं बैठा नहीं। क्या भाभी किसे देख रही हो? वो काम पर गए हुए ना, अब तक आए नहीं, उन्हीं की राह देख रही हूँ। कौन? वो कालिया विजय ना, वो अभी नहीं आएगा, दो दिन लगेंगे या एक हफ्ता भी लग सकता है, बेवड़ा कहीं पड़ा होगा। वो पीते भी हैं? पीते हैं, बहुत पीते हैं। एक बार अगर नशा चढ़ गया ना तो देखना क्या हल्ला मचाएंगे। और जब नशा उतर जाता है ना, तब पूछते हैं कि मैंने क्या किया, सब भूल जाते हैं। तो वो कोई काम धंधा नहीं करते क्या? करते हैं, जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, दो लोगों का काम अकेले करते हैं बैल की तरह। पर जैसे ही हाथ में पैसा आता है फिर देखना चाहिए, खत्म होने तक पीता ही रहता है। झगड़ा भी करते हैं। पीने के बाद फिर झगड़ा भी करते हैं क्या? हाँ बहुत करते हैं, किसी से झगड़ा हो गया ना तो मारपीट भी करते हैं। पर वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, जहाँ भी हो अपनी माँ को 3 वक्त का खाना जरूर पहुँचा देते हैं। डरा दिया ना। सुनिए, कहाँ चले गए थे आप? कितनी देर तक आपकी राह देख रही थी, बताया आपको? अपने काम को बीच में छोड़कर नहीं आ सकता ना, इसलिए लेट हो गया। जो भी हो, आपको जहाँ भी जाना है जाइए, पर सुबह 6 बजे जाने के बाद शाम 6 बजे तक वापस आ जाया कीजिए। कह दिया ना, अब चाहे जहाँ भी जाओ, शाम को ठीक 6 बजे ये विजय यहाँ घर पर मिलेगा। मतलब जो भी कहूँगी वो मानेंगे? क्यों? पसंद हूँ। कितना पसंद हूँ? बहुत सारा। क्यों जी, शादी हुए बस 2 ही दिन हुए हैं और मैं इतनी जल्दी पसंद आ गई? क्या हुआ, मैं गोरी हूँ इसलिए पसंद हूँ? पढ़ी लिखी हूँ इसलिए? मैं बड़े घर की हूँ इसलिए, है ना? तो फिर मैं इतनी पसंद क्यों हूँ आपको? माँ, अरे वो सो रही है। फैसला करते हैं ना, मेरी बीवी अनु अच्छी है ना? हाँ। तुमने खाना खाया? हाँ। ठीक है, अब उस तरफ पलट कर सो जाओ। मिसेस अनु, मेरी माँ का जिस तरह से तुमने 2 दिन से ध्यान रखा है, मुझे वो अच्छा लगा। ये गांव वाले, आसपास के पड़ोसी तुमसे कहेंगे कि मैं दारू पीता हूँ, गुस्से में हंगामा करता हूँ, ऐसा बहुत कुछ कहेंगे, और वो सब सच है। लेकिन आगे से मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मुझे अपना बेटा समझकर 4 गाली देना और 4 थप्पड़ भी मार देना, बस मुझे छोड़कर मत जाना।
अरे आप ही ना, कैसी बातें कर रहे हैं? चलो अब मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलाओ। कभी खाना दूंगी ना। कभी कभी भी तो करना है। छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? कोई आओ कबीर, आइए दादाजी। ये सब क्या कर रहे हैं? तो सब कुछ वहाँ छोड़ कर आ गई। ये तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती है। क्यूटी। इसलिए भैया ने कहा इसे छोड़ाओ। ठीक है ठीक है, आओ बैठो ना, चाय लेकर आती हूँ। कभी कभी मेरे दिल में अनु, हे अनु, सुनो तो। आप इनके पास बैठिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, सुनो, एक चुम्मी देकर जाओ ना। क्या कर रहे हैं? कोई बैठा है घर में? छोड़िए, चुम्मी देकर जाओ ना। छोड़िए मुझे। नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? पहले चुम्मी देकर जाओ। छोड़िए ना। देखो जिद मत करो, पहले चुम्मी दो। ठीक है विजय, मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, अनु दूध लेने गई है, बढ़िया चाय बनाती है, पी कर जाओ। विजय, 10 सालों से उसके हाथ की चाय पीता आ रहा हूँ, तुम्हें तो आए 10 दिन नहीं हुए। चलता हूँ, उसका ख्याल रखना। अच्छा कबीर, मलिक को कहना कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है ना, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ इसे, इतने गुस्से में क्यों है? पैर में किल घुस गया है, 4 दिन से किसी को पास नहीं आने दे रहा है। अरे तो डॉक्टर को बुलाओ ना। शहर से डॉक्टर आया था, उसके पेट में सींग मार दिया, अभी वो खुद अस्पताल में है। हाँ तो बैल को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? विजय को बुलाओ ना, आराम से निकाल देगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जवाब कौन देगा? अरे वो इस बैल से डरेगा क्या, चाहे कितना बड़ा बैल क्यों ना हो, ऐसे चुटकी में गिरा देता है वो। क्या बुला उसे? क्या तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, इसको खाली एक ही आदमी पकड़ सकता है, इसलिए विजय को बुलाना ठीक रहेगा। जाओ विजय को बुला कर ले आओ। ए, इसके घाव का इलाज क्यों नहीं करते? क्या करें, पास जाते ही सींग मारता है। हाँ तो क्या हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? हाँ अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अरे वो रस्सी उठाओ। ए, रस्सी लेके जाओ। पकड़ो इसे, रस्सी कस के पकड़ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जोर से पकड़ लो, छोड़ो संभल के। अरे भागो भागो, समय से छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, वो बहुत गुस्से में है, जाने दो, छोड़ दो। निकल गए, शांत हो जा, सब ठीक हो गया यार, बहुत बढ़िया। अरे ये क्या हुआ, चोट लगे क्या? अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप पहले तेल और हल्दी का लेप बनाकर इसे पट्टी लगवाइए और अस्पताल ले जाइए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। आपकी बेटी की शादी कब है? 18 मार्च को रखी है। अच्छा लड़का क्या करता है? नौकरी करता है। शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए, तुम वहाँ क्यों गए थे? क्या बताऊँ, आपको देखना चाहिए था, बच्चे की तरह रो रहा था वो।
लकड़ी निकलते ही आराम से उठ खड़ा हो गया जैसे कुछ ना हुआ। तुम एक शादीशुदा आदमी हो, मेरी बहन का सोचो, कुछ हो जाता तो। मेरी बीवी तो जान छिड़कती है मुझ पर, मुझे कुछ नहीं होगा, है ना अनु? ये शादी अचानक हो गई ना, रिश्तेदारों को भी नहीं बुला पाए, सारे लोग पूछते रहते हैं। सोच रहा हूँ सबको बुलाकर एक देवी माता के मंदिर में कार्यक्रम कर दो। अगले महीने ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक रहेगा। ठीक है, देखते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? वो मुंह लटका कर बैठी है, उसे समझा कर तो जाओ। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते मतलब? आप ही ने शादी करवाई थी ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सही। तो अब आप ही को मनाना पड़ेगा, जाइए मनाइए। मुझे क्यों फंसा रहे हो? जीजा उसे कहानियां सुना दीजिए। कहानियां सुना? महारानी राजकुमारी की, ऐसे ही कोई कहानी वहानी सुना के मना लीजिए। हाँ लगता है आप समझ गए। ए अनु इधर आओ, इधर आओ। अब तुम क्यों रो रही हो? हैं? मैंने इसे समझा दिया है, आज से ये ऐसे काम बिल्कुल नहीं करेगा। अरे मजबूरी थी तो यहाँ आ गया, नहीं तो हमेशा ये ऐसे काम थोड़े करते फिरेगा। अरे नहीं नहीं तुम आ जाओ, उठो 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 आ जाओ। अरे तुम ठीक हो जाओगे, आ जाओ एक बार, आ जाओ। शाबाश, एक मिनट। अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो कुश्ती लड़ सकता हूँ। अब इसको मारने पर भी दर्द नहीं होगा। कबीर मार कर दिखा, देखो दर्द नहीं हुआ। आपको सच में दर्द नहीं हो रहा? अरे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। मैं जाकर कुछ पीने के लिए आती हूँ। क्या हुआ? कितनी जोर से मारा? क्या कर रहे तू? जीजा मैंने धीरे से मारा था। अरे पहले से ही इतने दर्द में है। और आपको किसने बोला मुझे ठीक करने को? हाँ मैंने सोचा कि अगली बार कुछ और सोचना। हाँ ठीक है, मुझे सब पता है। सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हो ना? अरे अनु तुम भी क्या। हमारे सेठ को इससे पैसे लेने हैं, बेकार में टांग मत अड़ा। तू क्या पैसे लेने हैं? उसके बीवी बच्चों के सामने उसे पीट रहे हो, बाद में वो क्या शक्ल दिखाएगा उन्हें? कुछ तो सोचो, छोड़ो उसे। ये बात बड़ी हो जाएगी, बीच में मत पड़। तू क्या बड़ी बात हो जाएगी? ए चुप कर, पापा को कुछ नहीं हुआ। पापा आ गए, देखो पापा तो दोस्तों के साथ खेल रहे थे। मुझसे नजर मिलाने वाले को मैं काट डालता हूँ। क्या घूर कर देख रहा है बे? अब इसके मरने से पहले इसे उठाकर भट्टी में डाल दो, जल कर मरने दो इसे। क्या हुआ साहब? उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन बीच में एक आदमी ने आकर छुड़ा लिया उसे। कौन है वो? यही गांव का ही है साहब। शर्त लगाकर जिसने मलिक की बहन से शादी की थी वही। उस अकेले की वजह से क्यों रुक गए? उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं साहब। ठीक है, वापस आ जाओ। अरे उधर से कूदना। ए वहाँ कचरा पड़ा है ना, उसे भी उठा दो। क्या बात है कबीर, तुम्हारे घर का दामाद मेरे लड़कों से पंगे ले रहा है? समझा दे उसे मलिक की वजह से रुका हुआ हूँ, वरना अब तक उसे कहीं दफना चुका होता। नहीं मैं देख लूंगा, देख लूंगा। क्या अनु अचानक बस रुकी, अनजाने में हो गया? वो तो संभाल लेना तुम। अरे भाई हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? क्या बात है, पैंट शर्ट ऊपर से ये चश्मा मेरी पत्नी ने लाकर दिया। अच्छा ठीक हो ना? हाँ ठीक है भैया। ए यहाँ, अरे राधा देखो कौन आया है। अरे आइए आइए। हाय सिस्टर, कैसे हैं आप? हाउ आर गुड? ये क्या पहनकर आई हो? भैया ने जो भिजवाया था वो नहीं पहना। पहनकर आने को अजीब लग रहा था, सोचा यहाँ आकर बदल लूंगी। ठीक है जल्दी बदलो। अरे जल्दी जल्दी करो। अरे अनु मुझे छोड़कर जा रही हो? आप वहाँ मत जाइए, अनु वहाँ कपड़े बदलने गई है। तो मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है वेट कीजिए। कबीर
जमाई बाबू और अनु आए हैं, कुछ ठंडा वंडा ले आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। ए, जरा उसकी हिम्मत तो देखो, तुमसे उसकी सेवा करने को कह रहा है तो अब सोच कह रहे हो जाओ ठंडा पिलाओ उसे, बस यही देखना बाकी था। लो काटो इसे। मलिक की वजह से रुका हुआ हो, वरना अब तक उसे कहीं दफना चुका होता। हेलो, क्या बात है, आप पूजा में अभी तक नहीं आए, जल्दी आइए। इतनी देर कैसे हो गई बेटी? आने में थोड़ी देर हो गई। अनु, क्या हुआ? साड़ी सुपर है। क्या साड़ी सुपर है? ओहो, चुप रहो। अरे अनु, हे अनु, अनु, क्या कर रहे हैं आप? मुझे परेशान किया ना, तो इसी से काट दूंगी। हे बुढ़िया, क्या है? मेरी बीवी मस्त है ना? तुम्हारी पत्नी, मैं भी जवानी में ऐसे ही तो थी। कौन तुम? हाँ, ऐसी थी? हाँ बेटा, बुरी चिट्टी, सच कह रही हूँ। ठीक है, भिंडी काटो। क्या रे खुसफुस कर रहा है? मैं अपनी बीवी को तंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भिंडी काटो। आइए आइए, ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। जा लेकर जाओ। उसे कोने में ले जाओ, जो कहा वो करो। हाँ ठीक है, कुछ नहीं। ए, चलो उठना, पीछे चलते हैं। अनु, क्या है? क्या ये क्या? ओहो, मैं मारूंगी आपको। ए, संभाल अपने आपको। अरे दामाद जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? चलिए पीछे चलते हैं, कुछ पीते हैं ना। नो, मैं अरे फैमिली... नशेबाजो, इसको भी अपने जैसा बनाओ। मैं क्या, मैं फैमिली के साथ हूँ, तुम लोग जाओ। मैं भी अपने गांव से फैमिली के साथ ही आया हूँ। चुप कर रहा, मेरी बीवी को पता चला तो मारेगी, अभी तुम जाओ। अरे रुको, मैं पूछता हूँ। बेटा अनु, दामाद जी को ले जाऊँ मैं? कृपा करके लेकर जाइए इन्हें। सुन लिया ना दामाद जी, अब आइए, चलिए चलिए, आ जाइए आ जाइए। आइए, अरे थोड़ा दामाद जी को। अरे ये तो नीट पी रहे हैं। दामाद जी, वीरेंद्र प्रताप सिंह आए हैं, उनके लिए भी एक पैक बना दीजिए। वीरेंद्र प्रताप सिंह? हाँ, वो वहाँ पीछे बैठे हैं। वहाँ का क्या हुआ? अरे आपके कहे के मुताबिक सब कुछ। एक पैक वीरेंद्र प्रताप सिंह, एक पैक नहीं चाहिए। अबे हट। पापा आप देख रहे हैं। हे, मेरा नाम क्या है? नाम बता अपना। सदा। अच्छा सदा, एक बात बता, पैसे तमीज से वसूलने चाहिए कि नहीं? प्यास पर पैसे दोगे तो कुछ भी करोगे क्या? बच्चों के सामने उसके बाप को पीटोगे? नहीं, तुम ही बताओ भाई, ये गलत है ना? पापा आप देखते रहोगे क्या? लगता है बाप बेटे के बीच पहले ही परेशानी है। चलो मैं चलता हूँ। हाँ बोलो। हाँ, ऑन द वे ऑन द वे। क्या है वीरेंद्र प्रताप जी, ज्यादा ब्याज पर पैसे देना पाप है, ऊपर से ज्यादा गर्मी भी दिखाते हैं ये लोग। क्या बेटा, बड़े आदमी के साथ ऐसे बात कर रहे हैं? कौन, ये बड़ा आदमी है क्या? इसकी शक्ल देखो जरा, ब्याज के पैसे खा खा कर कुत्ते जैसी हो गई है। ये बड़ा आदमी क्या है? तुझे ही गुस्सा आता है क्या? मुझे भी गुस्सा आता है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो जिंदा नहीं बचेगा। अभी पी रहा हूँ इसलिए कंट्रोल में हूँ। सुन, क्या हुआ? पूजा तो अभी शुरू नहीं हुई, आप जा रहे हैं? पूजा की जगह पर कभी भी मौत का तांडव अच्छा नहीं। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, दामाद जी ने दारू पी के थोड़ा हंगामा कर दिया। अरे मैं क्यों चुप रहूं? तुम हमेशा उसे बचाते रहते हो, नशा वो करता है, चुप मैं रहूं। जीजा जी, मैं देखता हूं। साहब जाकर देखो। शुरू करें क्या? वो आपको उंगली दिखा रहा था, गालियां देकर बात कर रहा था, आपने उसे माफ कर दिया? उसने ये सब कुछ मेरे साथ किया है, गुस्सा मुझे होना चाहिए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, आज मैंने उसे
मलिक की वजह से छोड़ दिया है। मलिक मलिक मलिक, आखिर वो लगता क्या है आपका? ए, तू नहीं जानता कि मलिक हमारे लिए कितना जरूरी है। हम जैसे लोगों के लिए कुर्सी ही सब कुछ है। कुर्सी हमारे लिए पहने हुए कपड़ों की तरह है। अगर उतार देंगे तो नंगे हो जाएंगे। उसके बाद सड़क पर चलने वाला हर इंसान हमें देखकर हंसेगा। पूरा गांव मलिक की सुनता है। मलिक की वजह से ही हमें कुर्सी मिल सकती है। हम जीत सकते हैं। हर तरफ से छोटे बड़े हर एक जाति के लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसके सपोर्ट के बिना हम नहीं जीत सकते। क्या देख रहे हो? अपने काम करो। hey, सब इधर देखो। अरे भगाओ इसे यहां से। चुप रहो तुम। भगाओ इसे यहां से। तुम चुपचाप पूजा करो। अनु चलो अनु। ए कदे कहीं गे? ए, रुक मत बीच में। इतना बेसुरा है लेकिन खुद को एआर रहमान समझता है। चल हट। मामा ये क्या भांजे, सारी बोतलें खाली करके यहाँ पर लेटा हुआ है। क्या करूँ, बहुत बड़ा सीन हो गया। कैसा सीन भांजे? मामा तुमने पी रखी है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं पी। तो पहले पी लो तभी मेरी बात समझ में आएगी। नशेबाज की बातें नशेबाज ही समझ सकता है। चलो अब शिवा ने खाई जलेबी बोल के दिखाओ। शिवाजी ने खाई जिलेबी। चलो अब ओवर एक्टिंग खत्म करो। वो बगल के गांव में एक आदमी है, उसका नाम क्या है मामा? कौन भांजे? वो नारायण राम ना? नहीं मामा, काला सा है। अपनी बहन की शादी करवाई थी ना मुझसे। अच्छा मलिक। हाँ वही, गांव में पूजा है कहकर मुझे बड़ी इज्जत से बुलवाया वहाँ पर। मैं भी एकदम इज्जत से गया मामा। उसके बाद बड़ी इज्जत से दारू पीने के लिए कहा। नेशनल ड्रिंक को तो पीना ही चाहिए। एकदम सही कहा। मैंने भी पी ली। हाँ फिर? पीते ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने का मन किया। अरे वो तो तुम्हारे खून में है भांजे। बोले मेरा मामा, आजा 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 मामा, मामा मामा, चल जा आगे बोल। फिर मैं खड़ा हो गया मामा। गुस्से में उसने कुछ दो चार लोगों को बुलाकर मुझे बाहर फिंकवा दिया। ये क्या कह रहे हो भांजे? भांजे हम इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। भांजे सारे बुड्ढों से तुम्हारे पैरों पर गिरवा कर माफी मंगवाऊंगा। मैं अभी जाकर वकील से नोटिस भिजवाता हूं। मामा इस बार सुप्रीम कोर्ट को रहने देते हैं। तो एक काम करते हैं, तेज धार की तलवार से उनका गला काट देते हैं। खून से गांव की गलियां लाल हो जाएंगी तब पता चलेगा। इतना गुस्सा अच्छा नहीं मामा। ठंड रख मामा, खून खराबा ठीक नहीं है। सच बोलूं एक बात आज मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात भांजे? तुमसे बाकी कुछ हो ना हो धमकियां अच्छी। ये धमकी नहीं है भांजे, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे मैं कैसे कंट्रोल करूं भांजे, नहीं हो रहा। मैं मामी को बता दूंगा। अब इसमें मामी को लाने की क्या जरूरत है? देखो राजा बैठा है, उससे पूछते हैं। अच्छा वो लोग? अरे भांजे वो लोग राजा नहीं, स्वांग रचने वाले लोग हैं। पहुंचते ही पैसे मांगने लगेंगे। मैं राजा के पास जा रहा हूँ। क्या महाराजा? महाराजा ये उपहार रखिए और मेरी बात का फैसला कीजिए महाराजा। भाई मैं महाराजा नहीं हूँ, भेष धरा हूँ। अरे तो ये भी तो भेष ही है। ये भेष मेरी बीवी ने दिया है, देखो कैसा है। थैंक्स। वैसे तुम्हें पता है ना मेरी बीवी कौन है? मुझे नहीं पता। मेरी बीवी, उसका नाम मिसेस अनु, उस पर बहुत जमता है वो नाम। वो मेरी महारानी है, मेरी देवी है, मेरी जान है वो। और मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे वो इतनी पसंद है कि मुझे वो बहुत बहुत पसंद है। भांजे क्या डायलॉग था। फेंक दे महाराज। एक बहुत बड़ा सीन हो गया महाराज। वो क्या मामा? अरे सुनो, थोड़ा दुखी होकर पूछो वरना सर पे बोतल फोड़ेगा। वो क्या? वो ना
आज पूजा में मैं पूजा में आज पूजा में बहुत बुरा हुआ। मेरे भांजे के साथ अन्याय हुआ है, तुम लोग उसका साथ नहीं दोगे क्या? ऐसा नहीं होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। भांजे भैया तू परेशान मत हो। शाहिद रे कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें ये क्या हो गया है? यहाँ सब नशेबाज हैं, यहाँ पर मत रुको, परेशानी हो जाएगी, जल्दी घर जाओ। अरे वो आदमी इतना नशे में है, वहाँ कहाँ जा रही है तू? इंसान अच्छा है, दिल टूटा है लगता है, थोड़ा दिल बहला देते हैं। अरे सुबह तो पत्नी के साथ अच्छा खासा गया था, अब ऐसे क्यों आ रहा है? सभा यहीं समाप्त हुई। मांजे मामा ये देख रहे हो ना, वहाँ पर इतना बड़ा सीन हो गया और ये यहाँ ऐसे झाड़ू लगा रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैडम हम लोग टीवी चैनल से आए हैं, अपने पति को मार के भगाकर आप झाड़ू लगा रही है, आपको कैसा फील हो रहा है? जी मुझे जी। इतना गुस्सा आ रहा है कि यही झाड़ू उसके सर पर मार दूंगी। अरे म्यूजिक हमारे सर पर झाड़ू मारेगी कह रही है मामा, उन्होंने पहले धक्के मार कर निकाला। मैं क्या कह रहा था? पहले धक्का मारा, उन्होंने धक्का देकर मुझे निकाला और अब ये झाड़ू मारेगी कह रही है। क्या यही एक पत्नी का असली धर्म है? घर की पूजा में पी कर सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई, अब इस नशे की हालत में घर में घुसे ना तो सर फोड़ दूंगी आपका। व्हाट? वंस मोर? एक दूंगी ना। म्यूजिक। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ओके मिसेस अनु, आप जो कह रही हैं वो ठीक है ना मामा? बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ तुम्हारा भाई जब मुझे धक्का देकर निकाल रहा था तब कहाँ थी तुम? अगर पूजा की जगह पर पीकर हंगामा करोगे तो यही होगा ना। म्यूजिक। अब बताओ भांजे, फिकर मत कर, मेरा घर है ना, तू आ जा, मैं जिंदगी भर तुझे पालूंगा। म्यूजिक। जा अपने भाई से कह दे मेरा मामा जिंदा है, वो उसे देख लेगा। ये क्या कह रहे हो? ऐसा मैंने कहा? अरे मामा तुम उसे तो क्या किसी को भी देख लोगे? चले बस कर, आ जाओ सब लोग। मामा इन लोगों को थोड़े पैसे तो दे दो ना। ये लो भांजे, सब लोगों को चाय पिला दो। नहीं दे दो, रहने दो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, देना हो तो मुट्ठी भर के देना चाहिए। ये लो, ऐश करो भाइयों, ऐश करो। सड़क पर झगड़ा कर रहे थे, पूरा गांव मजे ले रहा था। माँ बाप होते तो बेटी की ऐसी शादी करवाते क्या? जल्दबाजी कर दी मलिक। जो लोग हमें गांव में सलाम ठोकते थे आज वही हमें भला बुरा सिखा रहे हैं। यही दिन देखने बाकी थे, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बिना सोचे समझे शादी कर दी उसकी। शांत हो जाइए ना। तू शांत हो जा, बाहर निकलना मुश्किल हो गया मेरा। एक अकेला आदमी हमारी बेटी को परेशान कर रहा है और हम लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। दो लगाने चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए मालिक। उसके कान पकड़ के यहाँ लाओ, यहाँ पंचायत बुलाओ और दोनों को अलग करवा दो। चली गई सनलाइट, आ गई मूनलाइट, दिन पूरा बीता हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। टाड़ा टाड़ा, धक्का दिया क्या करूं मैं, धक्का देकर निकाला मुझे, अब क्या करूं मैं, आगे नहीं आता। टाड़ा, उन्हें खाली पेट सोने में दीजिएगा, ये खिला कर सुनाइएगा। उसे कुछ बुरा लगा है इसीलिए ऐसा कह रहा है। जब सुबह उसका नशा उतरेगा तो खुद आकर तुमसे माफी मांगेगा। तुम जाओ बेटी। करूं और गाना बजाना। भांजी, चलो उठो, 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 आ गई मूनलाइट। जल्दी उठो, ये हो गया बात। देखो रात में भूखे पेट सोना अच्छा नहीं होता। ये लो खाओ, खाओ भांजी खाओ, थोड़ा सा खा लो। भांजी ये क्या? अरे रात हो गई है, अब चश्मा उतार दो। उतार दूं क्या? सुनो सुनो, ये मेरी बीवी ने प्यार से खरीदा। ये बात है तो फिर कभी मत उतारो, खाओ खाओ खाओ, खा लो। माँ? अब माँ को क्यों बुला रहे हो? खाना खाया माँ? हाँ, हाँ। नाराज है, तुझे ठीक से खाना नहीं खिलाया होगा माँ। मैं खिलाता हूँ, पहले खुद तो खा लो। जरा मुझे उतारो। ठीक है, आ जाओ। संभाल के मैं वहाँ तक छोड़ दूँ क्या? मुझे अपने घर जाना आता है, चलो ऑटो। ठीक है ठीक है। माँ खाओ माँ, आज तुमने कुछ नहीं खाया होगा माँ, ये लो खाओ, अच्छा है ना? खाओ और खाओ, पेट भर गया। अच्छा क्या घूर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा? क्या सोचा तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं? हे मामा। हाँ, अभी आया, अभी आया। मेरे पास मामा है, चलो जाओ। अरे कठपुतली बना रखा है मुझे,
अच्छा तो बीवी, सॉरी सॉरी, ये तो माँ है, बीवी यहाँ पर है। मेरी माँ, तुम अपने घर में ही रहो, मैं वहाँ सामने रहूंगा। अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना मुझे। तब तक के लिए धन्यवाद, तुम्हारा प्रिय पुत्र विजय। ठीक है, क्या दीदी विजय को देख रही हो ना, उसका नशा अभी उतरा है, गली में जाकर देखो। तू ओवर एक्टिंग कर रहा, चल बैठ यहाँ। सच में ऐसा किया था मैंने? तेरा नसीब अच्छा है, अगर दीदी की जगह मेरी माँ होती ना तो तुझे जहर देकर मार डालती। बेचारी दीदी तुझे अभी तक बर्दाश्त कर रही है, सुधर जा नहीं तो मार खाएगा। इससे बात करके टाइम बर्बाद मत करो, चलो स्कूल। सुनो, आलू कैसे दिए? 20 रुपया। 1 किलो दे दो। अच्छा, अब ऐसे क्यों खड़े हुए हो? कल जब आपको धक्का देकर बाहर निकाला था तब मुझे कितना बुरा लगा था पता है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ आइए। आइए कह रही हूँ ना। ऐसा क्या हो गया जो ऐसे बच्चों की तरह रो रहे हैं आप? अच्छा कोई बात नहीं, इसे पकड़िए। पीकर दिन भर घूमते रहे, शरीर में गंदगी भर गई है। तुमने तो कहा था झगड़ा हो रहा है, यहाँ तो नहलाया जा रहा है। ए, मलिक ने बुलाया है, जल्दी चलो। क्या? मुखिया जी ने बुलाया है, जल्दी आओ। जाओ। हाँ, अरे आप यहाँ कैसे? मुझे घर पर बुला लिया होता। तुम घर बुलाने लायक रहे नहीं विजय। ये क्या? अरे छोड़ो ना जीजा, नशे में कर दिया होगा, अब इतनी सी बात में नाराज थोड़ी ना होते हैं। हाँ भैया, चलो ना घर चलते हैं। भाई साहब, आप बस इसीलिए नाराज हैं, माफ कर दीजिए, आइए अब अंदर चलते हैं। हाथ छोड़ मेरा। ये क्या है भैया? क्यों बे, मलिक के घर में खड़े होने की औकात नहीं है तेरी? वादा करके बहन की शादी करा दी तो तू सर पे चढ़ गया उनके। मुझे तो लगता है इस आदमी ने लड़की को सिर्फ पैसे के लिए फंसाया है। एक बात सुन ले, तू जितना पैसा बोलेगा हम उतना पैसा देंगे, बस लड़की को छोड़ दे। ए देख भाई, अब लड़की को हाथ भी मत लगाना, इसे धक्के मार के निकाल दो यहाँ से। अरे मालिक चाहे तो तुझे यही दफना देंगे, तेरे दिन ठीक है इसलिए तू यहाँ खड़ा है। ए, शराब पीकर जो मन में आएगा वो बोलेगा, हमारी इज्जत का थोड़ा लिहाज कर। अरे शांत हो जाओ, लड़का अपनी गलती मान रहा है ना, फिर क्यों बोल रहे हो तुम लोग? कैसे इंसान हो आखिर तुम? कोई तुम्हारी इज्जत अगर नीलाम करेगा तुम ऐसे ही बैठे रहोगे? शांत हो जाइए, ये हमारा पारिवारिक झगड़ा है, हम आपस में समझ लेंगे। दो दिन से तूने हमारी बेटी को परेशान करके रखा है, अपनी गुंडागर्दी और ये ताकत किसी और को दिखाना। आप लोगों से किसने कहा कि ये मुझे परेशान करते हैं? ये जैसे भी है मेरे पति हैं, आप लोग बीच में मत बोलिए। बेटी अनु तुम चुप रहो, अगली बार नशे में कहीं तुम पर ही हाथ ना उठा दिया जाएगा। अरे उंगली दिखाएगा ना तो काट डालूंगी। मत देना। दादी तुम चुप रहो। भैया सब बोलते जा रहे हैं और आप ऐसे बैठे देख रहे हैं, इन सबको चुप कराइए ना। पहले तू चुप हो जा। मैं चुप क्यों रहूं? पहले इन्हें चुप रहने को कहिए। तुम चुप होने के लिए कह रहा हूं ना। अरे भाई देखो, परिवार में झगड़े तो होते ही रहते हैं, ऐसे हर कोई मूछों पर ताव देगा तो कैसे चलेगा? 10 दिनों बाद फिर से मिलेंगे, अच्छे से सोच के फैसला करेंगे, तब तक सब लोग शांत रहो। सबकी अनसुनी करके तुमसे बहन की शादी करवाई, सही किया जो आज तुमने मुझे मारा।
अनु अचानक तुम पर हाथ उठाया इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बहुत गलत किया है, समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आपने जानबूझकर थोड़ा ही किया, थोड़ा वक्त बीत जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ, भैया को इस तरह से जाता देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। बस ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं सीधे जाकर तुम्हारे भैया के पैरों में पड़कर उनसे माफी मांगूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रहने दीजिए, मेरी बात मानो, तुम्हारे भैया से मिलकर आते हैं। आप अपनी गलती मानते हैं ना? हाँ। हाँ? अभी आपको चोट लगी है, कुछ दिन जाने दीजिए, अभी जाकर कहेंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती, मेरी बात मान लीजिए ना। नहीं, ए अनु, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें मुझे मारने का या गाली देने का मन नहीं कर रहा? खुश? क्या हुआ भांजी, इतनी गहराई से सोच रहे हो? कल जो पंचायत हुई उसके बारे में सोच रहे हो क्या? मुझे तो सबके सामने जूते मारने चाहिए, तब अकल आएगी। भांजे, अब उसी बात को बार बार मत सोचो, छोड़ो उसे। मैं कोई धंधा शुरू करना चाहता हूँ। धंधा? वाइन शॉप कैसी रहेगी? नहीं नहीं भांजे, वो सरकारी होती है, वो हमें दे देंगे तो सरकार वाले परिवार कैसे चलाएंगे? अरे मामा, हम बैल ही जानते हैं। हाँ, ये बात सही बैल है। का मार्केट ही हमें समझ में आता है, बैल के लिए जरूरी दवाइयाँ, रस्सियाँ, चारा, ये सब खरीद कर भेजे। ये तुमने अच्छा सोचा भांजे, अगर शहर के पास दुकान लगा ली ना तो खूब पैसे कमा सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए पैसे। अनु। हाँ, अभी आई। अंदर अलमारी में से मेडल लेकर आना। क्या लेकर आना? अलमारी में मेडल रखे हैं, लेकर आओ। ये लीजिए। हाँ। किस लिए? किस लिए पूछ रही हूँ मैं? मैं दुकान डालने वाला हूँ। कौन सी दुकान? बैल का सामान। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? लाइए। ए, ए, अनु। ये सब आपकी खानदानी निशानी है, कल बच्चों को नहीं दिखाएंगे क्या? अनु बेकार बातें, मामा आप ही समझाइए मामा। बेटी दे दो ना इसे, पैसों के लिए किसके पास जाएगा ये? आप पैसों के लिए किसी के पास क्यों जाएंगे? खेती करेंगे, हमारा खेत है ना। बैल की तरह काम करने वाले तुम हो ना, कंधा देने के लिए मैं हूँ, साथ देने के लिए मामा जी भी हैं। क्यों, अब हाँ कह दो ना, मान जाओ, अच्छा रहेगा। भांजे, देखा जाए तो खेती करने वालों को ही सब लोग भगवान का दर्जा देते हैं, मतलब हम सब भगवान हुए, भगवान नंबर 1, 2, 3। हे भगवान, भांजे की फैमिली का ख्याल रखना। शुरू करें मामा? हाँ, चलो शुरू करो। भाई विजय, इतनी कड़ी धूप है, ना पानी है ना बारिश, खेती कैसे करोगे? देखो भैया, पसीना बहाकर मेरी बीवी मेहनत कर रही है, अब अगर बारिश नहीं हुई तो आसमान में चढ़कर छेद कर दूंगा मैं। भाई जरूर करोगे तुम। अब जाओ यहाँ से। क्यों अनु, यस और नो? यस यस, चलो अब काम पर ध्यान दो। देखो भाई, तुम्हारी मेहनत और अच्छी सोच देखकर इतनी बारिश हो गई, अब जो कमाई होगी तुम्हारे ससुराल वाले हैं ना, उनके सामने सर उठा के जीना तुम। ओ भैया, मेरी छोड़ो, तुम अपने काम से मतलब रखो, ये घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। ठीक है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। बेटी अनु, तुम्हें जो चाहिए ले सकती हो, ट्रैक्टर या छिड़कने के लिए दवाइयाँ, जो भी चाहिए ले जाओ, बस तुम दोनों खुश रहो। ए, आओ,
अरे भाई मेरे पैर क्यों छू रहे हो? तुमने अभी खुश रहो कहा ना, तो आशीर्वाद भी दे दो। हमेशा सुखी संपन्न जीते रहो। ए अनु, अनु सुनो अनु, चुप काम करो। बस आ ही गए, अब देखो अनु। ये ले ले ले। अस्पताल में ले गए हैं, अर्जेंट बुलाया है, जल्दी जाकर देख। अनु, ए, अनु, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? अनु, अनु कौन है? अनु मेरी बीवी, अनु नाम है। पहले ठीक से खड़े रहो, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों घबरा रहे हो? अनु को अस्पताल लेकर आए हैं। अस्पताल आए हैं तो बुरा ही होगा क्या? कुछ अच्छा नहीं हो सकता? तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। ए, तुम्हारी पत्नी पेट से है। अरे ये क्या कर रहे हो? ए, अरे क्या हुआ? अरे ये अस्पताल है। अरे रोको इसे। अनु, कितना शोर कर रहे हो? अरे अनु, अरे अरे भाई, अरे ऐसे नहीं जाते मरीज के पास। क्या कर रहे हो? दूर रहिए। हाथ में चोट कैसे आई? कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ हो गया है ऐसा सोचकर भाग कर यहाँ आ गए। अरे अरे क्या कर रहे हो? रुको, ऐसी बेवकूफों जैसी हरकतें मत करो। अभी अकेली नहीं है, तीन जाने हैं, समझ गया ना? जुड़वा बच्चे हैं। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, अरे कह रही हूँ ना मैं, तुम इधर आओ। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देखो आगे से इसका ख्याल रखना, इसे चलने फिरने मत देना। डॉक्टर आपने कह दिया ना, डॉक्टर आपने कह दिया ना, डॉक्टर आपने कह दिया तो कह दिया। अरे नीचे उतारिए मुझे। अपनी बीवी को उठाने से कौन रोकेगा? सब देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज उतारिए। ए बुढ़िया, हाँ मेरी बीवी माँ बनने वाली है। अरे आप भी ना। जुड़वा बच्चे हैं। जुड़वा बच्चे हैं, हाँ। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। क्या हुआ, ट्विंस है ना? हाँ कंफर्म ट्विंस ही है। ए दीदी मेरी बीवी पेट से है, जुड़वा बच्चे हैं। अभी तो मुझे गोद में उठा कर घूम रहे हैं, बच्चे होते ही मुझे भूल जाएंगे आप। सुनो ये जुड़वा बच्चे ही नहीं, 200 बच्चे हो जाए तो भी तुम मेरी जान ही रहोगी। तो 200 बच्चे चाहिए आपको? कहाँ जा रही हो? अरे क्या करें? डॉक्टर ने कहा था। मुझे शर्म आ रही है। ही तो रहा हूँ। प्लीज उतारिए। दीदी मेरी बीवी पेट से है। अरे अरे रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा। तुम्हारी बहन पेट से है सुना हमने, जुड़वा बच्चे है ना, उसका पति गोद में लेकर घूम रहा है उसे, तुम कितना सोना दोगे? अब तो सारी जायदाद अपनी बहन को दे दो, बच्चा होने की खुशी में हमें भी एक एक तोला दे दो, हम भी खुश हो जाएंगे। ए, चुप करो, हमसे उनका झगड़ा चल रहा है और तुम ऊपर से बेकार नमक छिड़कने की बात कर रही हो। करो। चलो जाओ। हाँ चलो चल चल। अरे चलो। गाड़ी रुको, तुम लोग खेत पर जाओ, मैं मंदिर होकर आता। क्या हुआ भाई, ये बात सुनते तो इसका चेहरा बदल गया, ये तो अचानक मंदिर पे उतर गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये जीजा साला फिर से एक हो जाए। हे ईश्वर, बहुत परीक्षा हुई, सबको अच्छी जिंदगी दो, सबको खुशियां दो। नमस्ते। नमस्कार। ये कैसे हो गया? कल तक तो अच्छा था, भरपेट इसने खाना भी खाया था, घर पर बस दादी ही थी, रात भर ये बेचारा चिल्लाता रहा, सुबह आकर देखा तो ये मरा हुआ था। हे भगवान, तो कुलदेवता ही चला गया। नमस्ते। नमस्ते। अरे हाँ बोला तो था यार। भांजे तुम्हारे साले साहब जब इस तरफ आए तो मुंह फुलाए बैठे मत रहना, हंसते हुए दो शब्द बोल लेना, ठीक है ना? मैं बात करने से कहाँ इनकार कर रहा हूँ, वो ही मुंह फुलाए बैठे हैं। नमस्ते 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 नमस्ते।
कैसे हो विजय? नमस्ते। नमस्ते। क्यों मलिक जी, रिश्ता जोड़कर एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? तुम तो थोड़ा बड़प्पन दिखाओ ना। क्या बड़प्पन दिखाओ, मैं बोलिए? मेरा दुख है, मुझे ही पता है। अब अगर इसके अरे मलिक, तुम अफसोस क्यों कर रहे हो? बेटी हमने दिया, हमने किया एहसान उस पर, उसे कुछ बोलना चाहिए। अरे चुप रहिए ना, जहाँ देखो बोलना शुरू कर देते हैं। तुमने ही तो उसे सर पे चढ़ा रखा है, अब भुगतो। अरे ए बुढ़ो, क्या औरतों की तरह ताने मार रहे हो? ज़बान संभाल कर बात करो। ए, 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 उसे क्या गुस्सा दिखा रहा है? मुझे मारना? पहले तो मुखिया के सामने लात मारी थी, अब गांव वालों के सामने ही मारते? मारना मुझे? हां मार, मार मुझे। तब से देखे जा रहा हूं मैं इसे। क्या छोड़िए मुझे, किसी चीज की कोई हद होती है। भांजे बैठ जाओ। अरे क्या हुआ, आप एक सुलझे इंसान हैं। सुलझा इंसान? आपको तो शांत रहना चाहिए ना। बेटा विजय, तुम तो थोड़ा संभल के चलो ना। कितना संभल कर चलूं मैं? क्या किसी के पैर की जूती बन जाऊं? मैं इनके जितना अमीर तो नहीं हूं, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना आता है मुझे। खेती करके पैसा कमाता हूँ, अपने परिवार को पालना आता है मुझे। अपनी छोटी सी जमीन लेके उस पे खेती करके इतना उछल रहा है जैसे सात गांव का मालिक हो। नहीं भांजे, भांजे, भांजे गुस्सा मत करो, यहाँ से चलते हैं। अरे थोड़ा शांत रहो ना, संभाल नहीं पाता। गुस्सा देखो इसका, जा जा, अपना गुस्सा किसी और को दिखा ना, यहाँ हमें मत दिखा। क्या भाई, क्या परेशानी हो गई? ये परेशान कर रहा है क्या? क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था बताइए मुझे। अरे आपकी वजह से ये अभी तक जिंदा खड़ा है, बस एक बार बोलिए आप, यहीं पर खत्म कर देंगे इसे। अपनी बीवी से वादा किया, इसलिए कमर से बंधा हुआ छुरा नहीं निकाल रहा। अगर निकाला तो पता नहीं कितनी लाशें गिरेंगी। मेरा गुस्सा आग है, जो टकराएगा जलकर राख हो जाएगा, याद रखना। भांजे तू आजा, इस तरफ आ। मारा के दिखाता हूँ मैं भी। भांजे शांत हो जा। भांजे बड़ा आया मारने वाला। नहीं, हाँ दिखा मार के, अपने हाथ तो देखे, कहता जला देगा। हमारे घर की बेटी की जिंदगी का सवाल है, बस इस बार जीजा जी के लिए माफ कर दीजिए। आग इतनी ज्यादा बढ़ा रहा है, ईंटें झेल पाएंगी? मलिक, आग एक हद तक बर्दाश्त होती है, चाहे मिट्टी हो या इंसान, बात एक ही है, पैरों में या हाथों में चोट लगी हो तो उसे भुला सकते हैं, मगर आंखों पर वार किया है उसने। बस ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद अगर कुछ हुआ तो तुम समझोगे। मैं उसे इसके बाद नहीं छोड़ने वाला हूं।
जाओ जाओ। सुनिए जरा, जैसे मैं समझाती हूँ समझ नहीं आता, उस दिन अस्पताल से आते हुए क्या कहा था? तुम्हारे साथ रहूंगा, 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाऊंगा, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अब कौन सा काम आ पड़ा आपको जो हमसे भी जरूरी है? जाइए, जाकर खाना लेकर आइए। बैठो, मुंह खोलो। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। बचपन में एक बार सपने में मैं खो गई थी, और तब मेरे भैया मुझे ढूंढने आए। मुझे ढूंढकर जब राजा से उन्होंने मुझे मांगा, तब राजा ने देने से इनकार कर दिया। तब मेरे भैया उससे लड़ाई करके मुझे घर वापस ले आए। वापस ले जाते समय उस राजा ने मेरे भैया से एक वादा लिया, पता है वो क्या था? रोज मुझे टाइम पर खाना खाकर सोना होगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं सोऊंगी तभी तो वो राजा मेरे सपने में आएगा ना, और मेरे लिए इंतजार करेगा। जब जब मैं जिद करती थी, भैया रोज मुझे यही कहानी सुनाया करते थे। ठीक है। मुझे 2 दिन से भैया की बहुत याद आ रही है। एक बार भैया को देखकर आ जाऊं क्या? आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा, मैं जाकर मिलाऊंगी उनसे। बोलिए ना, बोलिए ना। ओहो, ऐसा क्या मांग लिया कि आप नाराज हो गए? इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मैं अपने भैया को देखे बिना ना खाऊंगी और ना ही सोऊंगी। कल मैं शहर में अपने सुनार से मिला था। विजय खेती के मुनाफे से अपनी बीवी के लिए गहने बनवाने के लिए उसे एडवांस देकर आया है। हाँ। देने दो ना, देने दो। अरे विजय! क्या हुआ? क्या है बेटी, रात भर ऐसे खड़ी रहोगी? जाकर सो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा जी, सुबह की गए हैं अब तक नहीं लौटे। अब क्या कहूँ बेटी, खेत की फसल को बच्चे की तरह बड़ा किया था, अब उसे अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर दिल तो दुखी होगा ही ना। कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। तुम अंदर जाकर सो जाओ, जाओ जाओ ना। अनु, ए अनु, अनु, तुम्हारे भैया को विजय ने चाकू मार दिया है, उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, अब घर लाए हैं, तुम जाकर देखो। मेरे कुल देवता ने बीच में आकर मेरे बच्चे की जान बचा ली, हे भगवान, नहीं तो क्या हो जाता। अच्छे खासे घर से बाहर निकले थे, कोई चाकू मार के भाग गया इन्हें। जब उसे पकड़ने के लिए अपना कबीर उसके पीछे दौड़ा तो उसे रंगे हाथों पकड़ा, तो उसे भी चाकू मार के भाग गया वो। क्या जमाना आ गया। अगर ऊपर वाला नहीं होता तो आज तुम्हारे भैया जिंदा नहीं होते।
तुम्हारा पति जहाँ भी होता है झगड़ा करने लगता है। खेत किसने जलाए हैं कोई नहीं जानता, फिर भी तुम्हारे भैया पर शक करके चाकू मार दिया उसने। तुम्हारे भैया तो मक्खी मच्छर तक के लिए बुरा नहीं सोचते, आसपास के गांव का कोई भी इनके बारे में बुरा नहीं कह सकता। अरे ये सब क्या है, घर में घुसकर मालिक को चाकू मार दिया, तुम चुपचाप बैठे हो, उसे जान से क्यों नहीं मार देते? ओए, चाकू मैंने मारा था, खेत भी मैंने ही चलाया था। तूने कैसे चाकू मारा, चोट तो तुझे भी आई है ना? चार लोगों को भरोसा दिलाना हो तो खुद को भी चोट खानी ही पड़ती है। अभी तो बाजी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या ज़माना है, बहुत ज़्यादा कर दिया उसने, घरवालों की परेशान कर रहा है, बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती की हम लोगों ने। लड़की को कुछ नहीं हुआ है, वो अब ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। इसे बाहर फेंको उठाकर। इसकी वजह से उसने जान लेने की कोशिश की। ओए बहुत चर्बी है तुझे, तेरे खिलाफ एक भी कंप्लेन आएगी तो सीधा जेल में जाएगा, समझा? निकल यहाँ से। अंदर मेरी बीवी है, तू कौन होता है मुझे भेजने वाला? जो भी बीच में आया उसे काट डालूंगा। अनु, अनु, मेरे पास भी मत आना। अनु, आपके साथ इतने दिन रही है सोचकर शर्माती है। अनु, आपकी शक्ल ना देख पाऊं इसलिए कुएं में कूदकर मरना चाहती थी। अगर मेरे पास आए तो गर्दन काट के मर जाऊंगी। चले जाइए यहाँ से। बिखरे बिखरे है सारे मन के सपने रूठे सारे। मन के सपने रूठी सारी यादें, रूठी सारी यादें। सुनी हो गई दुनिया, आया कैसा ये पल, हुआ मन फिर बेकल। रूठ गई खुशियाँ मेरी, खुदा तू बता, बतला दे समझा दे हुई क्या खता। भांजे, इतनी सर्दी में यहाँ पर खड़े हो, चलो घर चलते। नहीं मामा, है वो मुझसे अलग नहीं रह पाएगी, देख लेना बस पकड़ कर आ ही जाएगी। भांजे आखिरी बस को गए, एक घंटा हो चुका है, आओ चलते। चलो भांजे घर चलते। ये ले, 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 मलिक मेरा खेत जला दिया, उल्टी सीधी बातें बताकर मेरी बीवी को मुझसे अलग करके मेरे बच्चों को मार दिया। अब मेरी बोलने की बारी, आज शाम तक अगर मेरी बीवी घर वापस नहीं आई तो बीच में आने वाले को काट डालूंगा। ये
मलिक, उससे अब नाता तो टूटी गया है, उसे मरवा क्यों नहीं देते? एक तो वो जिद्दी है, ऊपर से धमकी देकर गया है। अगर चाकू थोड़ा नीचे मारता ना तो आज आपका दसवां होता। बहन भी उसे नफरत करती है। अगर मेरी मानो, किसी को सुपारी देकर मरवा दो। बहन बस 6 महीने ही रोएगी, उसके बाद कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देना, जिंदगी भर खुश रहेगी। आगे तुम्हारी मर्जी, जो सही था मैंने बोल दिया। चलता हूं। जीजा, आप और मैं भले ही 1000 बार मार खा ले, लेकिन कल अनु को कुछ कर दिया, हम उसे कैसे सहन कर पाएंगे? जीजा, खत्म कर दो उसे। अब तो खुश है ना? हेलो, कब हाँ बोलोगे पूछा था ना? जीजा जी ने हाँ कर दी, खत्म कर दो। कुछ ही देर में जलीकट्टू है, एक भी इंसान नहीं होगा, अकेला कहीं घूम रहा होगा। देख लो क्या करना है। 1 घंटे में काम तमाम हो जाएगा। हेलो, कहाँ है अभी आप? अभी घर जा रहा हूँ। आप अभी घर मत जाइए, विजय घर पहुँच सकता है। आप फोन बंद रखिए, मैं खुद आके आपको ले जाऊंगा। कबीर, अपना ध्यान रखना आता है मुझे। क्या जीजा, मैंने बोल दिया ना। मेरी बात को समझिए जीजा, मैं अपना सर कटवा दूंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप फोन बंद रखिए। बेटी, तुम यहां आकर बैठ गई हो, वो तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। अगर उसके पाले हुए गाय बैल बकरी को भी कुछ हो जाता है तो उनके दुख में वो टूट जाता है। वो किसी को चाकू मार सकता है क्या? खून कर सकता है क्या? तुम उसे नहीं समझ पा रही हो। वो दिल का बहुत अच्छा है, तुम तो उसके साथ रही हो, तुम पर जान देता है वो। अगर तुम नहीं रही तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा बेटी। घर पर वो जिंदा लाश की तरह दिन भर बैठा रहता है। अगर आज शाम 6 बजे तक तुम घर पर नहीं आई तो सुन लो, सामने जो भी आएगा वो उसे मार डालेगा, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उसके बाद तुम दोनों की दुनिया टूट टूट कर बिखर जाएगी। तुम्हारे बीच गलतफहमी हुई है, मेरा दिल कहता है तुम घर आ जाओ बेटी। बहुत छोटा परिवार है हमारा, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं। बेटी, अपने घर को बचा लो। मुझे अगर यहाँ किसी ने देख भी लिया तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे दुख नहीं है। बस तुम घर आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा, आना होगा। आ जाओ बेटी, घर पर आ जाओ अपने। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ भाभी, पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ भाभी। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे भाई आएंगे तो मैं बोल दूंगी। ए, उसका ऐसा हाल करना कि देखने वालों की रूह कांप जाए। 1 साल तक इस गांव में हमारी चर्चा चलनी चाहिए, हमारी ताकत सबको दिखा दो। जाओ। अनु, अनु क्या हुआ? दीदी अनु कहाँ है? वो चली गई।
कहाँ गई? अपने पति के घर। किससे पूछ के भेजा? आखिर किससे पूछ के भेजा? वो अपने पति के घर गई है, लेकिन तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? विजय को मारने के लिए बोल दिया, जीजा जी के कहने पे बोला, अब ऐसे टाइम पे क्यों भेज दिया उसे? अरे पापियो, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं कबीर, ये सब होने से रोक ले। इतने सालों से तुम्हारे ससुराल में गाय का गोबर क्यों उठा रहा हूँ मैं? तुम मेरी बहन हो ना, मेरे मन की बात तक नहीं समझती? शर्त लगाई, वादा कर दिया, मेरी अनु किसी और को दे दिया, कुत्ता कुत्ता बनाकर बिठा रखा है मुझे। अब हाथ आ गई है दीदी, अब मैं नहीं जाने दूंगा। ए कबीर, मतलब इस सब के पीछे तू है? हाँ मैं ही हूँ, मैंने ही ये सब किया है। बैल से उस पे हमला करवाया, पूजा में दारू पिलाकर झगड़ा करवाया, तेरे पति को पंचायत में लाभ खिलवाई, खेत जलाया, और हाँ तेरे पति को चाकू भी मैंने ही मारा था। अरे पापी, अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई तो? आगे जीजा जी, उसे मारने के लिए मैंने लोगों को भेज दिया है, बस वो लोग उसे मारने ही वाले होंगे। क्या जीजा, सब सुन लिया क्या? मुझे बता देना चाहिए था या आपको पूछ लेना चाहिए था? ठीक है छोड़ो, जो होना था हो गया। अनु बस मेरी है और सिर्फ मेरी रहेगी। कौन सवार है मुझ पर? अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ूंगा। गलत कर रहा तू। अच्छा होगा बीच में मत आना। कबीर, हमें जिंदगी देकर तुझे पालकर बड़ा इन्होंने किया है, इनके साथ धोखा मत कर। ये धोखा नहीं है, मेरा प्यार है। अनु, बातचीत करके सब ठीक हो गया है? जीजा जी ने मुझे तुम्हें घर लाने के लिए बोला है। भैया ने खुद ऐसा कहा? अब जाकर के तो मैं सही रास्ते पे आया हूँ।
गाड़ी रोको। अनु चुपचाप रहो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। गाड़ी नहीं रोकी तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। अनु 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 मेरी बात सुनो। अनु अनु मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ अनु, तुम मेरी जान हो अनु। ए, ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये सब विजय ने सुन लिया ना तो तुम्हारा गला काट देंगे, समझे? विजय 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 अब तक तो मर चुका होगा, मर चुका होगा वो। अब तुम मेरे साथ चलो अनु, अनु अब तुम मेरे साथ चलो अनु। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देखो सारे जेवर जायदाद के पेपर सब हमारे हैं अनु, हम कहीं भी जाके आराम से रह सकते हैं अनु। मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। अच्छा चलो चलो अनु, चलो आजा मेरे साथ आओ। अनु 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 ए अनु ए अनु कहाँ जा रही हो? रुको अनु 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 रुको, भागो मत अनु। अनु अनु रुक जाओ अनु, अनु अनु मुझे देख के क्यों भाग रही हो? अनु रुक जाओ अनु, अनु अनु सुनो मेरी बात सुनो, मुझे देख के क्यों भाग रही हो? अनु अनु जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हें चाहता हूँ मैं। अनु, 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 वो कल का आया वो छोकरा, वो विजय, उससे तुम्हारी शादी क्या होगी? तुम तो मुझे भूल ही गई हो। उसे छोड़ो, हम लोग कहीं और चल के साथ में रहेंगे। अनु मैं सच कहता हूँ अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अनु कसम खा के कहता हूँ अनु, सच बोल रहा हूँ अनु, तुम बस एक बार हाँ बोल दो अनु। अनु बोलो ना अनु, प्यार करती हो ना? बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। औरत को जेल भेजकर हम खुश नहीं रह सकते। मैंने गलती कर दी, एक बार तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना। ये किसी ना किसी के हाथों तो मरता जरूर, इसकी बहन ने ही से मार दिया। जहरीला सपोला था, साथ रखकर पोस कर अपने ही गले का फंदा बना लिया था। मैंने तो जिंदगी जी ली है, तुम दोनों अब
चले जाओ यहाँ से, जाओ। दोनों अब हमेशा खुश रहना। अरे मलिक, तुमसे मिलने लोग आए हैं। ओहो, उतारिए ना। संभल कर रहना होगा अनु। सुनिए, अब उतार दीजिए ना, शर्म आ रही है मुझे। डॉक्टर ने क्या कहा है, समझ में नहीं आता तुम्हें? आओ आओ। साले जी, मेरी बीवी माँ बनने वाली है। अरे वाह, कितने बच्चे हैं बताओ? दो, तीन हैं। भैया देखिए ना इन्हें, बोलिए ना इन्हें नीचे उतारने को, बस स्टैंड से मुझे ऐसे उठा कर ले आ रहे हैं। बस स्टैंड से यहाँ तक लेकर आया? अपने भाई से मेरी कंप्लेन करोगी? क्या कर लेगा वो, बाहर आ पाएगा? सोच रहा है कि मैं अंदर हूँ, बच्चे के आने से पहले मैं बाहर आ जाऊंगा, बाहर आते ही तेरे मेरे बीच में जलीकट्टू है। इस बार ही नहीं, हर बार जलीकट्टू मैं ही जीतता हूँ। 10 लाख देंगे बैल पकड़ने वाले को हम। 10 लाख क्यों, हिम्मत है तो 1 करोड़ दो। हाँ, दे दूंगा, 10 करोड़ दूंगा, मैं भी देखता हूँ। अरे चला, बस कीजिए, बस हुआ। आप लोग बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं, तो बस कीजिए। इतने बुरे एक्टर हैं हम। मलिक, टाइम हो चुका है, इन्हें बोलिए जाने के लिए। अरे रुको ना, तो हम चले। ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर, जल्दी से बाहर आ जाना।